जय श्री कृष्ण। मैं पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री श्री राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन धाम कोहेफिजा भोपाल। आज हम जानेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक वक्त्रा शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्य दर्शनो मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। अर्थात एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। शिव का ही स्वरूप साक्षात एक मुखी रुद्राक्ष है, जो कि मुक्ति और भुक्ति फलप्रदा, मुक्ति और भोग दोनों को देने वाला है। यदि हम एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो साक्षात भगवान शिव है, जो भुक्ति भी आपको भोग भी देगा और मुक्ति भी प्रदान करेगा। यदि आपने धारण किया है तो, या आपने अपनी पूजन में सिंहासन पर विराजमान करके रखा है, तो तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। अगर आपने ब्रह्म हत्या भी की हो, ब्रह्म हत्या का दोष भी यदि आपके ऊपर लगा हो, केवल उस एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लेंगे तो वो भी आपसे दूर हो जाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष का ये फल है। दूसरी बात में कहते हैं, यत्र संपूचितस्तत्र। यदि एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा यहाँ पे होती है, लक्ष्मीर दूर तरह नहीं, जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती हो, वहाँ से उस घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, उसमें अपना स्थान बना के रखती हैं। नश्यंतु उपद्रवः, अगर घर में किसी प्रकार का उपद्रव होने वाला है तो वो अपने आप दूर ही नष्ट हो जाएगा। सर्वे काम भवन्ति ही, और घर में जितने भी कार्य हैं आपके, उस सारे के सारे होते रहेंगे, कभी किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है। शिव पुराण का कथन, रुद्राक्ष आप कभी भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण, जब आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे वही समय आपके लिए शुभ होगा। रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है, रुद्राक्ष को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप रुद्राक्ष कहीं से लेके आते हो, बाजार से लेके आते हो, किसी वृक्ष से लेके आते हो, तो सर्वप्रथम भगवान शिव को अर्पण कर दें, क्योंकि साक्षात रुद्राक्ष शिव है। आप धारण कर सकते हो, आप पूजन में रख के भगवान शिव मान के साक्षात उनकी पूजा भी।